वेलकम टू हमारी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है पारसी सल्ली बोटी। पारसी सल्ली बोटी की नहीं, यहाँ पे मैंने हाफ के जी मटर लिया है, जिसे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ मैरिनेट किया है 2 घंटे पहले। इसके लिए और हमें चाहिए ग्रेवी के लिए 2 फाइनली चॉप अनियंस थी मीडियम साइज़ की, इस मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम टमेटोज है जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब हम इसकी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में 1/4 कप ऑयल लेंगे, इसमें हम 2 मीडियम साइज चॉप अनियन ऐड करेंगे। इसे लाइट ब्राउन होने तक हम सौते करेंगे। यहाँ पर अनियन लाइट ब्राउन हो गई है, अब इस वक्त हम अपना मटर ऐड करेंगे, जिसे मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, नमक के साथ और ब्लैक पेपर के साथ। हम इसे अच्छे से सौते करेंगे जब तक पूरी प्याज इसमें अच्छे से कोट ना हो जाए। यहाँ पर मटन अच्छे से भुन चुका है और जब इसकी अच्छी सी स्मेल आने लगे, इसमें हम अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, ऑलरेडी हम मैरिनेशन के वक्त डाल चुके हैं इसमें, इसमें नमक ऐड नहीं होगा। 1 टेबलस्पून शक्कर ऐड करेंगे हम, शक्कर या 1 टेबलस्पून गुड़, दोनों में से कोई एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। अच्छे से भूनेंगे हम अब सारे मसालों के साथ। मटन को मसालों के साथ अच्छे से सौते करने के बाद इसमें हम टमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे हम। यहाँ पर जब ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ जाए, हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। पारसी सल्ली बोटी में इस स्टेज पर ड्राइड एप्रिकॉट्स पड़ते हैं, यानी कि सूखे हुए जरदालू पड़ते हैं, लेकिन मुझे आज पूरे सुपरमार्केट में वो नहीं मिले। अगर आपको मिल जाते हैं तो इस स्टेज पे आपको 4 ड्राइड एप्रिकॉट्स ऐड करने हैं। उसके बाद कुकर को कवर करके 10 से 12 मिनट तक हमने मटन को कुक करना है। यहाँ पर हमारा पारसी सल्ली बोटी बिल्कुल रेडी है, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे, सिरका हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और गार्निश के लिए हरा धनिया। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, उसके बाद आपको सर्विंग बाउल में निकाल के बताते हैं। यहाँ पर हमारा पारसी सल्ली बोटी बिल्कुल रेडी है, इसे मैंने पोटैटो सलीज के साथ गार्निश किया है। देखिए, आप चाहें तो अलग भी सर्व कर सकते हैं पोटैटो सल्ली, इसे आप राइस के साथ, तंदूरी नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करें। और इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।